नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। झांसी, भारतीय जनता पार्टी बामौर मंडल की कार्य समिति बैठक में मुख्य वक्ता बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अशोक राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज प्रधान से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जब कोरोना जैसी महामारी के संकट से परेशान थी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जिलों के दौरे पर निकले और कमान संभाली। आज हर आम आदमी योगी राज में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है, कहीं भी लूटपाट नहीं हो रही। भाजपा नेता ने कहा कि 2022 में भी यूपी में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। इस अवसर पर जिला मंत्री अमित चौरसिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष दशरथ सिंह चौहान उपस्थित रहे। बैठक में हमारा आना हुआ और बैठक के जो प्रमुख बिंदु की लक्ष्य 2022 2017 के विधानसभा के चुनाव के परिणाम 2022 के विधानसभा के चुनाव में दोहराने का संकल्प लिया गया है। और अभी जो पंचायत के चुनाव हुए, निश्चित ही जी 2022 के विधानसभा के चुनाव का सेमीफाइनल है और भारतीय जनता पार्टी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का अधिकतर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों पर परचम फहराया है। और इसी संकल्प के साथ हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेंगे और केंद्र में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार, जिला में हमारी सरकार और ब्लॉक में हमारी सरकार। निश्चित ही है कि अब इन योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति को मिलेगा और 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी। खबर समय जगत के लिए झांसी से दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।